आयोग की गवर्निंग काउंसिल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य साथ मिलकर के कार्य और निश्चित दिशा में आगे बढ़े। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना और यही नहीं, हमें प्रयत्नपूर्वक कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है, ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे। विकास ये प्राइम एजेंडा बना रहे, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की स्पर्धा कैसे बढ़े, ये मंथन करने के लिए पहले भी कई बार हमने चर्चा की है। आज भी स्वाभाविक है कि इस समिट में उस पर बल दिया जाएगा। हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे अब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि निर्माण हुई। साथियों, आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तब इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। मैं राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि आजादी के 75 वर्ष के लिए अपने अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़ करके समितियों का निर्माण हो, जिलों में भी समितियों का निर्माण हो। अब से कुछ देर पहले इस बैठक के लिए बिंदुओं का एक सरसरा उल्लेख आपके सामने हुआ है। इन एजेंडा पॉइंट्स का चयन देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इन एजेंडा पॉइंट्स पर राज्यों से सुझाव लेने के लिए, राज्यों को तैयारी का पर्याप्त समय देने के लिए एक नया प्रयोग शुरू किया गया कि इस बार नीति आयोग के साथ राज्यों के सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ एक अच्छा सा वर्कशॉप भी हुआ इसके पूर्व, और उस चर्चा में जो पॉइंट आए उनको भी इसमें जोड़ने के लिए हमने प्रयास किया है, और इसके कारण काफी सुधार और एक प्रकार से राज्यों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एजेंडा बना है। इस प्रक्रिया से गुजरने की वजह से इस बार गवर्निंग काउंसिल के एजेंडा पॉइंट्स बहुत स्पेसिफिक हैं और हमारी चर्चा को और सारगर्भित बनाएंगे। साथियों, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हमारे देश के गरीबों को एम्पावर करने की दिशा में बैंक खाते खुलने से, टीकाकरण बढ़ने से, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ने से, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलने से, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त शौचालय निर्माण की योजनाओं, उनके जीवन में, खासकर के गरीबों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव नजर आ रहा है। देश में अभी हर गरीब को पक्की छत देने का अभियान भी तेज गति से चल रहा है। कुछ राज्य बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ राज्यों को अपनी गति बढ़ाने की आवश्यकता भी है। 2014 के बाद से देखें तो गांवों और शहरों को मिलाकर 2,40,00,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है। आपको मालूम है देश के 6 शहरों में आधुनिक टेक्नोलॉजी से घरें बनाकर एक अभियान चल रहा है। एक आध महीने के भीतर भीतर नई टेक्नोलॉजी से तेजी से अच्छी क्वालिटी के मजबूत मकान बनाने की दिशा में
देश के 6 शहरों में नए मॉडल तैयार होंगे, वो भी इस काम के लिए हर राज्य को ये उपयोगी होने वाला है। उसी प्रकार से पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा न बने, कुपोषण की समस्याओं को वो बढ़ाए नहीं, इस दिशा में भी मिशन मोड में काम हो रहा है। जब जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से पिछले 18 महीनों में ही 3.5 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट स्कीम एक बड़े बदलाव का माध्यम बन रही है। ऐसी सारी योजनाओं में जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेगी तो काम की गति भी बढ़ेगी और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना भी सुनिश्चित हो जाएगा। साथियों, इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है, चारों तरफ से एक नई आशा का वातावरण पैदा हुआ है, उसने जता दिया है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है और कुल मिलाकर के देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और तभी ये बदलावों के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। हमें भी ये देख कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत में उतना ही अवसर भी देना है। आत्मनिर्भर भारत एक ऐसे नए भारत की तरफ कदम है जहां हर व्यक्ति, हर संस्था, हर उद्यम को अपनी पूरी क्षमताओं से आगे बढ़ने का अवसर मिले। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और यह उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। भारत जैसा युवा देश, उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना होगा, शिक्षा कौशल के बेहतर अवसर उन्हें देने होंगे। साथियों, हमें अपने बिजनेस को, एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को और मजबूत करने की जरूरत है। हमारे हर राज्य की अपनी एक खूबी है, हर राज्य के हर जिले के पास अपना हुनर है, अपनी खासियत है, कई प्रकार के पोटेंशियल्स हम बारीकी से देखें तो नजर आते हैं। सरकार द्वारा देश को ये सैकड़ों जिलों के प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करके उनके वैल्यूएशन के लिए, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के लिए उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। इससे राज्यों के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा अभी प्रारंभ हुई है, लेकिन आगे बढ़ाना है। कौन राज्य सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, अधिक से अधिक प्रकार की चीजें एक्सपोर्ट करता है, अधिकतम देशों में एक्सपोर्ट करता है, अधिक से अधिक मूल्य की चीजें एक्सपोर्ट करता है और फिर जिलों में भी स्पर्धा कैसे बने और हम एक्सपोर्ट पर विशेष बल हर राज्य हर जिला कैसे दे। हमें इस प्रयोग को जिलों और ब्लॉक्स के बीच भी लेकर जाना है। हमें राज्यों के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करना होगा। राज्यों से होने वाला एक्सपोर्ट हमें आग्रहपूर्वक और इसका हिसाब किताब हर महीने लेना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। पॉलिसी फ्रेमवर्क
और केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर तालमेल भी बहुत जरूरी है। अब जैसे हमारे यहां कोस्टल स्टेट है, मत्स्य उद्योग को, ब्लू इकोनॉमी को और मछली को विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए असीमित अवसर है, असीमित अवसर है। हमारे कोस्टल स्टेट उसके लिए क्यों न स्पेशल इनिशिएटिव ले। देखिए, इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिल सकता है, हमारे फिशरमैन को बहुत बड़ा बल मिल सकता है। मैं चाहूंगा कि आप इस बात से परिचित हैं कि केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स के लिए एक पीएलआई स्कीम शुरू की है। ये देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। राज्यों को भी इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए। कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम करने का लाभ भी राज्यों ने बढ़ चढ़ करके उठाना चाहिए। आपने ऐसी कंपनियों का संपर्क करना चाहिए कि दुनिया में इतना कम टैक्स रेट जब किया गया है तो उसका फायदा आपके राज्य को मिलना चाहिए। साथियों, इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए फंड की भी काफी चर्चा हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला ये खर्च देश की अर्थव्यवस्था को कई स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेगा, रोजगार के भी बहुत अवसर पैदा करेगा। एक मल्टीपल इफेक्ट होती है इसकी। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में राज्यों का हिस्सा 40% से इसलिए 40% है और इसलिए जरूरी है कि राज्य और केंद्र मिलकर अपने बजट को सिंक्रोनाइज करें, प्लानिंग करें और प्राथमिकताओं को तय करें। अब भारत सरकार ने अपना बजट पहले की तुलना में एक महीना प्रीपोन किया है। राज्यों के बजट और केंद्र के बजट में बीच में 3-4 सप्ताह मिल जाते हैं, तो केंद्र के बजट के लाइट में राज्यों का बजट बनता है तो दोनों मिलकर के एक दिशा में आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में भी राज्यों के बजट चर्चा करते होंगे। जिन राज्यों का बजट अभी आने वाला है वो इस काम को और प्राथमिकता पर कर सकते हैं। केंद्रीय बजट के साथ ही राज्यों का बजट भी विकास को गति देने में, राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने में उतना ही अहम है। साथियों, 15वें वित्त आयोग में लोकल बॉडीज के आर्थिक संसाधनों में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस में सुधार लोगों का लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनके आत्मविश्वास का आधार बनती है। इन सुधारों से मैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ जन भागीदारी भी बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि पंचायत राज व्यवस्था तथा नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस कन्वर्जेंस तथा आउटकम्स के लिए जिम्मेदार बनाने का भी समय आ गया है। स्थानीय स्तर पर बदलाव के लिए जिले, राज्य और केंद्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो परिणाम कितने सकारात्मक आते हैं, इसके लिए आकांक्षी जिलों का उदाहरण हमारे सामने है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो प्रयोग रहा है वो अच्छे परिणाम दे रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना के कारण जो गति आनी चाहिए तो नहीं आई, लेकिन अब फिर से उस पर हम बल दे सकते हैं। साथियों, कृषि अपार क्षमताओं से भरी है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयां हमें स्वीकार करनी होगी। हम कृषि प्रधान देश कहे जाएं, उसके बावजूद भी आज करीब करीब 65-70 हजार करोड़ रुपया का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। ये हम बंद कर सकते हैं, हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है, ये पैसों का हकदार हमारा किसान है, लेकिन इसके लिए हमारी योजनाएं उस प्रकार से हमें बनानी होगी। हमने पिछले दिनों दालों में प्रयोग किया, उसमें सफलता मिली। अब दाम बाहर से लाने में, दालों को बाहर से लाने में खर्चा हमारा काफी कम हुआ है। ऐसी कई चीजें, कई खाद्य चीजें बिना कारण हमारे टेबल पर आज आ जाती है। हमारे देश के किसानों को ऐसी चीजों को उत्पादन में कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। और इसलिए ऐसे कई कृषि उत्पाद हैं जो हमारे किसान न सिर्फ देश के लिए पैदा कर सकते हैं बल्कि दुनिया को भी सप्लाई कर सकते हैं।
इसके लिए जरूरी है कि सभी राज्य अपनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं, उसके हिसाब से किसान को मदद करें। साथियों, बीते वर्षों में कृषि से लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। इसका परिणाम है कि कोरोना के दौर में भी देश में कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारा पोटेंशियल इससे अनेक गुना ज्यादा है। हमारे प्रोडक्ट्स का वेस्टेज कम से कम हो, इसके लिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जितने भी पोटेंशियल जहां भी है उसको जोड़ना पड़ेगा। हमें जानते हैं कि भारत साउथ ईस्ट एशिया में रॉ फिश एक्सपोर्ट करता है। जब मैंने प्रारंभ में कहा वहां वो फिश प्रोसेस करके भारी मुनाफे और प्रोसेस प्रोडक्ट के तौर पर बेची जाती है, क्या हम सीधे प्रोसेस फिश प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? हमारे सभी कोस्टल स्टेट खुद अपना इनिशिएटिव लेकर के इस पूरे ग्लोबल मार्केट को ऊपर अपना प्रभाव पैदा नहीं कर सकते? ऐसी स्थिति कई और क्षेत्रों, कई और प्रोडक्ट्स के साथ है। हमारे किसानों को जरूरी आर्थिक संसाधन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, आधुनिक टेक्नोलॉजी मिले, इसके लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। साथियों, हाल ही में ऐसे कई रिफॉर्म्स किए गए हैं जो रेगुलेशन को कम करते हैं, सरकार का दखल कम करते हैं। मैंने पिछले दिनों देखा सरकार के अंदर सामान्य व्यक्ति को कंप्लायंस, हजारों ऐसे कंप्लायंस हैं जिसको हम निकाल सकते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने 1500 कानून खत्म किए, मैं राज्यों से आग्रह करूंगा आप एक छोटी टीम बिठाइए बिना कारण। अब जब टेक्नोलॉजी है तो बार बार चीजें मांगने की जरूरत नहीं है लोगों से। ये कंप्लायंस का बर्डन देश के नागरिक के सर पर से हम कम करें, राज्य आगे आए। मैंने भी भारत सरकार में कहा है और हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी उसके पीछे लगे हुए हैं, कंप्लायंस की संख्या जितनी कम हो करनी है। ये भी ईज ऑफ लिविंग के लिए बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से साथियों, युवाओं को अपना सामर्थ्य खुलकर दिखाने का भी हमें मौका देना होगा। कुछ महीना पहले ही आपने देखा होगा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए गए, उसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती है लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। ओएसपी रेगुलेशंस को रिफॉर्म किया गया था, इससे युवाओं को कहीं से भी काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे टैक्स सेक्टर को मिला। मैं अभी पिछले दिनों आईटी सेक्टर के लोगों से बात कर रहा था, मुझे कईयों ने बताया कि उनके 95% लोग अब घर से ही काम कर रहे हैं और उनका काम अच्छा चल रहा है। अब देखिए ये कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। हमने इन चीजों पर बल देना होगा। हमें ऐसी जो बंदिशें हैं उन सारी बंदिशों को समाप्त करना चाहिए। काफी मात्रा में हमने पिछले दिन रिफॉर्म करके किया भी है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया है, जियो स्पेशल डेटा से जुड़े नियमों को भी लिबरलाइज कर दिया है। जो अभी हमने किया है वो अगर आज से 10 साल पहले हम कर पाते तो शायद ये गूगल वगैरह भारत के बाहर नहीं बनते, वो हमारे यहां बनते। हमारे ही लोगों की टैलेंट है लेकिन प्रोडक्ट हमारी नहीं है। इससे हमारे स्टार्टअप्स और टेक्स सेक्टर को तो बहुत बड़ी मदद मिली है। मैं चाहता हूं कि यह फैसला देश के सामान्य मानव की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने में मदद करेगा। और साथियों, मैं दो चीजों का आग्रह करूंगा। आज विश्व में हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है, उस अवसर को जुटाने के लिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और भारत के नागरिकों के लिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए ईज ऑफ लिविंग। ग्लोबली भारत के पोजिशनिंग के लिए, भारत को अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का महत्व है, और उसके लिए हमारे कानूनों में सुधार करना होगा, व्यवस्थाओं में सुधार करना होगा, और देश के नागरिकों की आशा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, उसके जीवन को सरल करने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए जो चीजें आवश्यक हैं उसको बल देना पड़ेगा। साथियों, मैं आपके अनुभव, आपके सुझाव सुनने के लिए उत्सुक हूं। आज हम दिन भर बैठने वाले हैं,
बीच में एक थोड़ा समय हम ब्रेक लेंगे, लेकिन हम सारे विषयों की बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह इस बार भी आप सभी की तरफ से रचनात्मक और सकारात्मक विचार आप देश को आगे ले जाने में बहुत काम आएंगे, और हम सब मिलकर के केंद्र और राज्य हम एक देश के रूप में एक ही दिशा में जितनी शक्ति लगा सकते हैं, लगी शक्ति लगा करके विश्व में एक अभूतपूर्व अवसर भारत के लिए पैदा हुआ है, इस ये मौका हम जाने नहीं देंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार इस महत्वपूर्ण समिट में आप सबकी उपस्थिति का स्वागत करता हूं, आपके सुझावों का इंतजार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।